जय माता दी। दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, साल 2023 जो है वो आने वाला है और ऐसे में तिल चौथ या सकट चौथ का व्रत जो है वो बहुत सारी माताएं बहनें करती हैं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए। आज के वीडियो में आपको बताऊँगी कि सकट चौथ या तिल चौथ या तिलकुटा कब पड़ रहा है, क्या है शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है। आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात करने वाली हूँ। वैसे तो हर महीने दो चौथ जो हैं वो मनाई जाती हैं। चौथ का व्रत जो है वो हर महीने किया जाता है और इस दिन भगवान गणेश की पूजा विधिवत की जाती है और सुख समृद्धि और संतान की दीर्घायु की कामना की जाती है। हर महीने में दो चौथ व्रत जो है वो किए जाते हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में पड़ता है। एक तो विनायक और दूसरे अंगारकी चौथ कहते हैं। खास करके माघ महीने में चौथ का दिन विशेष माना जाता है। इसे गणेश चतुर्थी या सकट या तिलवा या तिलकुटा चौथ के नाम से जाना जाता है। इस बार सकट व्रत का पूजन 10 जनवरी दिन मंगलवार को होगा। इस दिन महिलाएं जो भी माताएं हैं वो संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। पहले ये व्रत पुत्र के लिए किया जाता था लेकिन अब बेटियों के लिए भी बहुत सारी माताएं ये व्रत जो है वो करने लगी हैं। सकट चौथ का जो व्रत है, जो पूजा है, वो भगवान गणेश को समर्पित होती है, क्योंकि गणेश भगवान जो हैं वो विघ्नहर्ता हैं और वो आपके हर कष्टों का निवारण जो है वो कर लेते हैं। इसलिए इस पूजा को भगवान गणेश के नाम से की जाती है। सकट चौथ का अगर शुभ मुहूर्त बताऊं तो 10 जनवरी 2023 के ये जो व्रत है वो किया जाएगा। सकट चौथ की जो तिथि है वो आरंभ हो रही है 10 जनवरी 2023 को 12:09 पे और सकट चौथ की तिथि का समापन जो है वो है 11 जनवरी 2023 को 2:31 पर। चंद्र दर्शन का जो समय है वो रात को 8:51 पर रहेगा। साथ ही साथ सर्व सिद्ध योग जो है वो 6:45 से 9:01 तक रहेंगे। सकट चौथ व्रत की पूजा विधि क्या है? तो इस दिन ब्रह्मचर्य बनाए रखें और जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके गणेश जी को नदी से 21 बार या घर के ही जल से 21 बार स्नान करवाना चाहिए। संतान की लंबी आयु के लिए ये जो व्रत है ये किया जाता है, इसलिए गणेश अष्टोत्तर का जाप करें। शाम के समय भगवान गणेश की मूर्ति को एक साफ पीढ़ा पर रखें, उसे सुंदर फूलों से सजाएं, मूर्ति के सामने धूप दीप जलाएं, देवताओं को फल चढ़ाएं, भगवान की प्रार्थना करें, भगवान गणेश की आरती करें। इस दिन गणपति का पूजन किया जाता है। महिलाएं निर्जल रहकर व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर ये व्रत जो है वो समाप्त होता है। इसके साथ बहुत सारी माताओं के यहाँ, बहुत सारे लोग करते होंगे, तिल का बकरा बनाया जाता है और उसे सिक्के की मदद से कटवाया जाता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ ये विधान है, आपके यहाँ है या नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के यहाँ ऐसा विधान जो है वो माना गया है। और इस दिन मूली जो है वो बिल्कुल भी नहीं छूनी चाहिए, ना ही खानी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मूली खाने से इस दिन धन की हानि होती है। इस व्रत में भगवान गणेश को तिल के लड्डू और बहुत सारे पकवान से भोग लगाया जाता है। साथ ही साथ परिवार के जो भी लोग हैं वो सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भी संकट हैं वो हट जाएं और सभी कार्य जो हैं वो पूर्णतया हो जाएं, सब काम में सफलता हासिल हो, ऐसे घर वाले सभी मिलके भगवान गणेश की पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो गणेश मंत्र का जाप करते हैं और शिव पार्वती की परिक्रमा भी की जाती है इसी दिन। साथ ही साथ इस दिन शिव और कार्तिकेय की पूजा के साथ साथ गणेश भगवान और कार्तिकेय की कथा जो है वो भी सुनी जाती है। अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं बहुत सारी माताएं और इस व्रत को पूर्ण करती हैं। तो आप लोग भी अगर करते हैं तो 10 जनवरी 2023 को दिन मंगलवार को इस व्रत को पूर्ण कीजिए और अपने बच्चों की आयु लंबी कर लीजिए, उनके ऊपर से जो भी संकट हैं वो दूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों, जय माता दी।